वेलकम टू द योग नगरी ऑफ इंडिया विच इज ऋषिकेश। ओपन जिप्सी में क्या मजे कर रहे हैं यहाँ पे लोग। और यहाँ से देखो नजारे ही अलग। जब करना पड़ेगा कीचड़ क्रॉसिंग। यहाँ पे बहुत ज्यादा कंस्ट्रक्शन चल रहा है। हाँ जी दोस्तों, गुड आफ्टरनून। अभी बज रहे हैं 12:05 और हमने अभी पराठे खा लिए हैं और अभी हम लोग निकल पड़े हैं ऋषिकेश की तरफ। यहाँ से ऋषिकेश जो है सिर्फ 20 किलोमीटर बचा है और बहुत ज़्यादा रश है। ऊपर वाला फ्लाईओवर शुरू होने ही वाला है कुछ दिनों में, तो जैसे शुरू होगा ना उसके बाद तो ये सारा रश ख़त्म हो जाएगा। अभी हमारा प्लान ये है कि यहाँ से हम लोग ऋषिकेश जाएंगे, नज़ारे जो दिखेंगे वहाँ पे रील्स बनाएंगे, फ़ोटो खींचेंगे। इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है ना कि मैंने सारे लाइनर वगैरह उतार दिए हैं। रोड्स भी बहुत ख़राब है यार, बहुत ख़राब। कोई नहीं, थोड़ा आगे जाते ही रोड सही मिलेंगी और उसके बाद तो हमें खींचनी है फुल पावर। अगर दोस्तों अभी का सीन कुछ ऐसा है, 12:15 हो रहे हैं एंड 235 किलोमीटर्स हमने क्लॉक कर दिए। हमारी टंकी में सिर्फ 3 पॉइंट बचे पेट्रोल के, तो हमने सोचा यहाँ पे पेट्रोल भरवा लेते हैं क्योंकि हमें नहीं पता इसके बाद हमें फ्यूल पंप कहाँ मिलेगा कहाँ नहीं। तो हम रिस्क नहीं लेना चाहते, एंजॉय करना चाहते हैं। और वैसे भी सुनने में आ रहा है कि ऊपर हो रही है स्नोफॉल। तो गाइज हिट द लाइक बटन यार, आने वाले एपिसोड्स बहुत ख़तरनाक होने वाले हैं। सो दोस्तों आप लोगों के लिए एक सरप्राइज है, दिखा दूं। ये देखो दोस्तों पहाड़ शुरू हो चुके हैं। वेलकम टू द योग नगरी ऑफ इंडिया विच इज ऋषिकेश। शो बी गो। ये पहाड़ देखे भाई, क्या ही मजे आ रहे हैं। दिस इज सो ब्यूटीफुल मैन, सो ब्यूटीफुल। भाई कितना ही मजा आ रहा है ना ये देख के। और लीनिंग लगानी शुरू भी कर दी है हमने। वाओ मैन मजे, उत्तराखंड की वादियां। सामने देखो भाई क्या ही मस्त पहाड़ दिख रहे हैं। और अपनी बाइक इस पे फिर से चढ़ने को उतावली हो रही है। ओह मी गो, सो ब्यूटीफुल मैन। ये देखो भाई ओपन जिप्सी में क्या मजे कर रहे हैं यहाँ पे लोग। मजे मजे भाई मजे, इनके मजे हैं यार, कसम से बोल रहा हूँ।
ऑलराइट दोस्तों, अभी का सीन कुछ ऐसा है। यहाँ से हर्षिल वैली जो रह गया है वो है अराउंड 220 किलोमीटर, तो हमें अराउंड 6 घंटे लगने वाले हैं। टाइम हो रहा है 1:54, तो 6 घंटे मतलब ऑलमोस्ट 8, तो रात हो सकती है और मुझे नहीं पता GoPro भी कब डेड हो जाएगा। तो नज़ारे अभी से ही आप लोगों को दिखा देता हूँ। बहुत ही सुंदर नज़ारे हैं, रोड्स खाली खाली हैं, ज़्यादा भीड़ नहीं है क्योंकि ऑफ सीज़न है, सब ये बोल रहे हैं। तो हमें तो भाई बहुत मज़े आ रहे हैं, लीनिंग लगाते हुए जा रहे हैं। Insta360 यहाँ पे लगाया है, नीचे लगाया है, तो मतलब बहुत सारी जगहों पे लगाया है, तो आपको एक से एक शॉट्स और एक से एक रील्स देखने को मिलेंगी। तो स्टे ट्यून्ड यहाँ पे भी और Instagram पे भी, तो बहुत सारी रील्स आने वाली हैं। आई एम श्योर आप लोग सपोर्ट करोगे। ऑलराइट दोस्तों, गंगोत्री 223, यमुनोत्री 208, तो हमें जाना है सीधा। ये देखो भाई, लोग कैसे देख रहे हैं ना हमें। हमारी बाइक्स काफ़ी अट्रैक्टिव है, कभी थोड़ा टेंशन मिलता है हमें। तो वी गो, कीचड़ 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 प्लस रोड खराब, हमारी टेल टायरी गंदी होगी, तो धीरे धीरे चलेंगे बॉयज। तो भाई क्या नज़ारे हैं ऊपर। अब वापस नीचे आ जाते हैं, बट लेफ्ट साइड में बहुत ही सुंदर नज़ारे। ओके, तो इन्होंने रोक लिया है, बढ़िया। लेट्स गो बॉयज। पर रोड पे मिट्टी है इसलिए हम यहाँ पे लीन नहीं करेंगे। लेट्स गो दोस्तों, यहाँ से चंबा जो है रह गए 12 किलोमीटर, एंड हम इस लोकेशन पे खड़े हैं। यहाँ पे हो रहा है सनसेट, एंड अपनी ब्यूटीफुल सी बाइक बहुत सही लग रही है। यहाँ पे हमने बहुत सारे फोटोज वीडियोज निकाले हैं। देखो भाई क्या ही सही लग रही है ना अपनी बाइक, मतलब अपीयरेंस भी एक नंबर आती है। और ये देखो भाई, लीनिंग कर करके ना पूरा टायर नया जैसा कर दिया है। यहाँ देखो फुल लीन चल रही है भाई, बस इतना इतना रह गया, इतना यहाँ से और इतना ही यहाँ से, बाकी टायर बहुत गर्म हो रहा है। मस्त, एकदम परफेक्ट। ऑलराइट दोस्तों, टाइम हो रहा है 3:13, हमने क्लॉक कर लिए हैं 307 किलोमीटर, एंड ये देखो सामने बच्चे कैसे देख रहे हैं, क्या रिएक्शन मिल रहे हैं हमें। मस्त मस्त वाले रिएक्शन। अभी भी हमें बहुत सारे किलोमीटर्स क्लॉक करने हैं, मतलब होगा अराउंड 170-180 किलोमीटर अभी भी क्लॉक करने हैं, तो उसमें लगने वाले हैं आराम से 4.5 से 5 घंटे। तो भाई रात तो डेफिनेटली होने वाली है, चाहे कुछ भी कर लो। रोड की कंडीशन देख सकते हो आप, कितनी ही मस्त है। और बीच बीच में कुछ पैचेस ऐसे हो जाते हैं जिसमें मतलब लैंडस्लाइड हो रखी है, या फिर मतलब वहाँ से वो पैच ही गायब है, तो उन सब पे रिपेयरिंग का काम चल रहा है। रेस्ट ऑल इज़ गुड। अब देखो रास्ता कट रहा है,
लेफ्ट को जा रहा है उत्तरकाशी एंड गंगोत्री एंड सीधा जा रहा है न्यू टेहरी एंड चंबा। तो हमें जाना है लेफ्ट, हर्षिल वैली नीचे लेफ्ट को जाना है। ओके, तो अभी हर्षिल वैली का जो रास्ता है वो कट हो चुका है यहाँ, और यहाँ के नज़ारे देखो भाई कितने खूबसूरत लग रहे हैं, बहुत ही सुंदर यार, बहुत ही सुंदर। कितनी ही चौड़ी चौड़ी सड़कें हैं यहाँ पे, हाईवे टाइप का। ऑलराइट दोस्तों, सो नाउ वी आर एंटरिंग चंबा टनल, चलते हैं टनल के अंदर। हेलो हेलो हेलो, सो गाइस टनल के अंदर हम लोग एंटर कर चुके हैं। ये देखो भाई, अभी तो टनल पे काम ही चल रहा है। और यहां से देखो नजारे ही अलग, नजारे ही अलग हो गए भाई, नाइस। ओके जी, अब करना पड़ेगा कीचड़ क्रॉसिंग। यहाँ पे बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन चल रहा है, देखो चारों तरफ कीचड़ ही कीचड़ है। कृपया धीरे चलें, प्लीज गो स्लो। ऊपर ब्लास्टिंग का भी काम चल रहा है लग रहा है। ये रोड बनी नहीं है भाई अभी बिल्कुल भी। अब इससे फास्ट चलाऊंगा ना तो मेरा बैग पूरा गंदा हो जाएगा पीछे से, क्योंकि टेल टाइड है ना, दैट इज द रीजन। तो इसलिए स्लो स्लो चल रहा हूँ बस। यहाँ से तो रोड बनी हुई है, हेलो जी दोस्तों, हम लोग ऑलमोस्ट उत्तरकाशी पहुंचने वाले हैं। और आप देख सकते हो भाई सनसेट हो चुका है, रोड्स पे ज़ोरों शोरों से काम चल रहा है। तो हमारी प्लानिंग में ना थोड़ी सी चेंजेस हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। तो हम लोगों ने सोचा कि हम लोग यहाँ से ना उत्तरकाशी स्टे ले लेते हैं और वहाँ पर थोड़ा इन्जॉय करेंगे शाम को, एंड कल सुबह खाना पीना करके ब्रेकफास्ट करके हम लोग निकलेंगे हर्षिल होते हुए गंगोत्री, जहाँ पे एक्चुअल में बर्फ़ है। तो बहुत मज़े आने वाले हैं, और गंगोत्री देखने के बाद वहाँ से हम लोग वापसी आ जाएंगे एंड स्टे लेंगे हर्षिल में। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये प्लान काफ़ी सॉर्टेड है, इसमें हम उत्तरकाशी भी देख लेंगे, हर्षिल भी देख लेंगे, गंगोत्री भी देख लेंगे, और हमारे दोनों दिन यूटिलाइज हो जाएंगे। तो अभी नज़ारों के साथ हम लोग एंटर करेंगे उत्तरकाशी को। वैसे ये जगह भी बहुत सुंदर है, देखो घर वगैरह बने हुए हैं, वैसे तो रोड्स का काम चल रहा है, बट दिस प्लेस इज सो वेरी ब्यूटीफुल। देखो यार वो देखो सनसेट कितना ही सुंदर लग रहा है। और ये एक छोटा सा गांव है, बताओ यार ये लोग यहीं पे मेहनत करते हैं, यहीं पे अपना मतलब मजदूरी वगैरह बिजनेस जो भी है कमाई का ज़रिया यहाँ पे मेहनत करते हैं, इनको बाहर की दुनिया से कोई मतलब ही नहीं है। और एक हम हैं, लड़ते रहते हैं बाहर की दुनिया से, उसके पास ऐसा है मेरे पास ऐसा नहीं है, कब तक चलेगा ऐसा। और ये लोग बल्कि हमसे ज़्यादा खुश होंगे क्योंकि ये लोग कंपैरिजन नहीं करते, है ना। सो दोस्तों, बहुत सारा ऑफ रोड करने के बाद ये देखो हम लोग कहाँ पहुँच गए। यहाँ पे नीचे एक ब्रिज है और ऊपर एक ओवर ब्रिज बन रहा है, तो मतलब पहाड़ काट के ना सीधा टनल टू टनल रास्ता बनने वाला है। बट अभी हमें ये ऑफ रोड के मज़े लेने पड़ेंगे। सचपास की याद आ गई यार, क्या आप लोगों ने देखी मेरी सचपास वाली वीडियोस? नहीं देखी तो फटाफट से जाओ और सचपास वाली वीडियोस देख के आओ,
वर्ल्ड्स डेंजरस रोड्स किया है हमने अपने इसी जिक्सर पे, जो कि किसी और ने नहीं किया है और ना ही दिखाया है। लेफ्ट साइड में बहुत ही प्यारे नज़ारे हैं, एक नदी सी जा रही है, बहुत सुंदर लग रहा है। एंड हम देखो कितनी पतली पतले रास्तों पे चल रहे हैं, देखो क्या टर्न है, सामने कुछ दिख ही नहीं रहा था। रोड्स ना बहुत टूटी हुई है यहाँ पे, मुझे लग रहा है कि काम तो हुआ होगा बट अब जैसे ऑफ सीजन है तो जो टूट गया वो टूट गया, इसको रिपेयर करवाया ही नहीं होगा अभी तक। भाई इतना ऑफ रोड है ना, मुझे ऐसा लग रहा है अभी अभी हैंडल टी चेंज करवाया है, कहीं फिर से ना ख़राब हो जाए। दोस्तों अभी का सीन कुछ ऐसा है, यहाँ पे देखो हमें नदी मिल चुकी है इतनी सुंदर, एंड ये आपको दिखा देता हूँ अपनी बाइक्स। देखो भाई क्या लाइनअप लग रहा है ना, एकदम खतरनाक वाला।